जैसे कि दोस्तों दिखा रहे हैं, देखिए दोस्तों ये गेस्ट रूम है। तो गेस्ट रूम में किचन हम लोग बनाए हैं, जैसे नीचे के प्लेटफॉर्म जो होता है हर एक का। तो देखिए इसका जो पहले का जो स्लाब था वो ऑलरेडी ढलाई हुआ था, उसमें देखिए ग्रेनाइट पीस तो लगा दिया। तो उसी के नीचे जो है हम लोग इसका किचन का जो भी हो डोर बॉक्स करके इसको डोर वगैरह बास्केट वगैरह रेडी किए हैं, तो इसी के बारे में दोस्तों बात करेंगे। ऊपर में देखिए 2 फीट हाइट में एक कैबिनेट बनाए हैं पूरा ग्लास डोर के साथ। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक देखते रहिए, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए जो नए हैं। देखिए दोस्तों ऐसे किचन का वीडियो मैं बहुत अपलोड किए हैं, तो ये दूसरा वाला है गेस्ट रूम का। तो एक ऑफिस का किचन है, एक गेस्ट रहने वाला इसका किचन है, सैम्पल है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले जो बात करते हैं, देखिए एक लंबा बॉक्स किए हैं जो 90 92 लंबाई है। उधर उधर से जो देखिए वो 4 फीट का लंबाई में है, तो एल शेप में है। तो इसका जो बॉक्स है हमने अलग से एक बॉक्स बनाए हैं 92 का। तो इसका हाइट जो है दोस्तों ज़्यादा हाइट नहीं है इसका, 29.5 है, मतलब इसका हाइट है वो भी देखिए 29.5 इसका हाइट है। तो देखिए दोस्तों इसमें अंदर में, देखिए दोस्तों अंदर में जो है हम लोग इसका डीप जो है ज़्यादा नहीं किए, इसका डीप जो है इसका डीप बहुत कम था एक्चुअली, इसका 18 इंची डीप किए हैं। इसमें एक सेल्फ डाले हैं, तो इसका जो बड़ी सा बॉक्स जो है दोस्तों पूरा लंबा तक बॉक्स किए हैं। तो देखिए इसमें डोर किए हैं, ये डोर का जो एक एक साइज है, इसका डोर का जो एक एक साइज है, ये 17 इंच करके डोर का साइज है। तो देखिए दोस्तों हैंडल लगा के कंप्लीट कर दिया, साथ में देखिए मैग्नेट भी ऊपर इसका कंप्लीट है ये डोर। साइड में देखिए दोस्तों एक बास्केट की है 18 इंच का, 17 इंच का एक्चुअली बास्केट आता है। तो देखिए 4 इंच का कैटलरी है, कुछ भी आप इधर रख सकते हैं। ये 6 इंच का है, इसमें कुछ भी आप बर्तन वगैरह कुछ प्लेट वगैरह रख सकते हैं। और नीचे जो है देखिए 8 इंच का है, इसमें आप थाली वगैरह कुछ भी इधर इधर रख सकते हैं। ये 8 इंच का बास्केट है, इसका खोप जो है दोस्तों हम 18 इंच क्वार्टर रखे हैं और 17 इंच का बास्केट आया, और लंबा में जो है वो 18 इंच का बास्केट आया, इसलिए 18 इंच का डीप किए हैं। तो दोस्तों साइड में देखिए ये भी 17 17 इंच के चौड़ा में है, मतलब 34 में है लंबाई, और जैसे उधर जैसे कि डोर किया है इधर सेम साइज़ किए हैं, सेंटर में 18 इंच का बास्केट है। तो साइड में देखिए दोस्तों और एक 16 इंच चौड़ा में एक डोर है, जैसे कि देखिए दोस्तों इधर गैस वगैरह आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका एक सैंपल है, देखिए दोस्तों इधर हम लोग फ्रेम करके इसको बनाए हैं, इधर पूरा बॉक्स नहीं किए, इसको फ्रेम करके बनाए हैं। तो देखिए दोस्तों ये 16 4 फीट लंबाई है, 16 16 इंच का आपका डोरा है, देखिए 5 इंच का फ्रेम करके हम लोग इसमें बनाए हैं, वो ऊपर में देखिए मैगनेट लगा है। तो देखिए दोस्तों अंदर कुछ भी सामान रख सकते हैं इसमें, और इधर आप गैस रख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो नीचे का हो गया, अभी ऊपर में देखिए दोस्तों ये हमने 2 फीट का हाइट में एक कैबिनेट बनाया है, जिसमें कि 4 डोर है। इसका साइज जो है दोस्तों, इसका लंबाई जो है आपका 55 इंच लंबाई है, हाइट जो है 2 फीट हाइट है। तो देखिए दोस्तों एक एक डोर आपका हिसाब से ऐसा 14 इंच का डोर आया है, 14 14 14 14 इंच का डोर आया है। का ग्लास का जो पट्टी हम लोग 2.5 इंच के हिसाब से पट्टी कट किए हैं, और इसका पीछे से है दोस्तों देखिए हम लोग एक कॉर्नर लगा के इसमें ग्लास चिपकाए हैं, सेम इसमें भी देखिए कॉर्नर लगा के ग्लास चिपके हैं, बाकी मैंगल लगा के पूरा फुल कंप्लीट है। तो देखिए दोस्तों इसका जो डीप का साइज है वो 11 इंच डीप है। तो सेंटर में देखिए एक सेल्फ पिन आता है ऐसा दुकान से, डबल स्क्रू वाला सेल्फ पिन डाल दिया, एक सेल्फ डाल दिया। तो एक आप कुछ में इसमें मसाला का कुछ भी आप डब्बा डब्बा कुछ भी इधर रख सकते हैं। साइड में देखिए दोस्तों ये भी सेम ही है, इसमें भी आप कुछ भी डब्बा वगैरह कुछ भी इसमें रख सकते हैं, सेम वैसा ही साइज है। तो ये जो हिंचस है दोस्तों, ये एल हिंचस है, बहुत ही मजबूत वाला हिंचस है। तो ये ऑटोमेटिक ये देखिए ये डोर भागेगा नहीं, इतना में ये स्टोपर हो गया, ऐसा ही भी नया आया है। तो चलिए दोस्तों सैंपल ये डिजाइन के ऊपर ये बनाए हैं। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा नया नया वीडियो हम लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए, धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं दोस्तों।